जब भी हम भारत में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की डेवलपमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जो साउथ की स्टेट्स हैं वो उनका नाम सबसे पहले आता है, लाइक तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उसके बाद केरला और गुजरात भी बिल्कुल। ये कुछ 4-5 स्टेट्स ऐसी हैं जो शुरू से ही, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो और अब चाहे इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेगमेंट की बात हो या उससे जुड़े जो इंफ्रा है, लाइक अगर लिथियम बैटरीज की बात करें, चार्जिंग इंफ्रा की बात करूं, बेंगलुरु का नाम सबसे पहले आता, हम सब जानते हैं स्टेट्स सिटी का। तो बाकी सब पर मैं ऑलरेडी वीडियोस डाल चुका हूं, गुजरात पर, आंध्र प्रदेश पर, तो केरला पर बात नहीं हुई थी खुलकर। तो आज की वीडियो केरला पर ही रहेगी कि सेगमेंट की प्रमोशन के लिए वो क्या क्या कर रहे हैं, क्या उनकी प्लानिंग है, ये सब इस वीडियो में आज हम कवर करेंगे। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो। तो आप देख रहे हो सिंह ऑटो ज़ोन का नया एपिसोड, यहाँ आपको मिलती रहेंगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल जगत से जुड़ी हुई सभी टॉप न्यूज अपडेट्स। तो बिल्कुल चलिए शुरू करते हैं जल्दी से। आज की इस वीडियो में बात कर लें केरला स्टेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो सेगमेंट है उसकी प्रमोशन के लिए, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए क्या कुछ कर रहे हैं, इस पर बात करेंगे। अभी हाल में ही जो सबसे बड़ा लेटेस्ट अपडेट ये है कि केरला स्टेट ने जापानीज कंपनी तोशिबा के साथ एक डील साइन की है, जिसके साथ दोनों मिलकर केरला में ही एक नया लिथियम आयन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट बनाएंगे। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की जो भी आगे है वो सब फाइनल हो गया है इस पर। और ये सब जो नतीजा है ये है कि जो हमारे सीएम थे केरला के मिस्टर पिनाराई विजयन, ये भी लास्ट कुछ दिन पहले जापान की विजिट पर थे, वहां पर एक समिट था जापान में टोक्यो में, उसको वहां पर जाकर अपनी पूरी यहां से एक हाई एंड टीम उनके साथ गई थी। तो वहां उसके बाद कुछ कंपनीज एमयू साइन हुए, उसके अलावा जो हमारी इंडियन एम्बेसी थी टोक्यो में वहां पर भी एक कॉन्फ्रेंस एक सेमिनार रखा गया, जहां पर तकरीबन 150 के आसपास जो डिफरेंट रिप्रेजेंटेटिव थे अलग अलग जापानीज कंपनी के, वो हमारे सीएम से मिले, काफी बातचीत, कुछ एमयू साइन हुए। तो ये उसी का नतीजा है कि जो तोशिबा के साथ लिथियम मैन्युफैक्चरिंग प्लांट केरला में सेटअप किया जाएगा। इसके अलावा भी हाल में सेकंड विजिट इनकी साउथ कोरिया की है, जहां पर बिल्कुल वो भी इसी जो वो विजिट भी सिर्फ उसी से जुड़ी है जो हम कह सकते हैं कि केरला स्टेट का जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर जो प्लानिंग है, जो उस पर जो उनका सिस्टम चल रहा है उसी पर ये सारा विजिट, जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल रोड मैप है उसी से जुड़ा रहेगा। इलेक्ट्रिकल व्हीकल से अगर कुछ पॉलिसीज भी केरला स्टेट अपनी कंफर्म कर चुकी है, काफी सभी स्टेट से पहले कंफर्म करने वाली थी, जिसमें से उनका कि 2022 तक 10 लाख इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को रोड पर उतारा जाएगा। और इसके लिए इसकी डेवलपमेंट के लिए चाहे वो चार्जिंग इंफ्रा हो चाहे सब्सिडी हो स्टेट लेवल पर, उसके लिए 12 करोड़ की एक ई मोबिलिटी फंड भी अलग से रखा गया है। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल बसेस की, बिल्कुल केरला स्टेट जो रोड ट्रांसपोर्ट है उनकी काफी प्लानिंग है कि स्टेप वाइज पूरा का पूरा जितना फ्लीट है इनका डीजल बसेस का उसको कन्वर्ट किया जाएगा इलेक्ट्रिकल बसेस में। स्टार्ट फ्रॉम थिरुवनंतपुरम स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट वो पूरा का पूरा कंप्लीट स्विच करने जा रही है अगले साल तक, उनकी प्लानिंग है 2020 लास्ट तक जितना भी डीजल इलेक्ट्रिकल डीजल बसेज हैं उनको इलेक्ट्रिकल बसेज में कन्वर्ट किया जाएगा, जो कि बिल्कुल अगर ऐसा हो जाता तो बिल्कुल थिरुवनंतपुरम ऐसी पहली सिटी होने वाली है। तो बिल्कुल थम्सअप है, क्योंकि मेरे हिसाब से अगर पॉलिसीज बनाएंगे उन पर काम करेंगे तभी आगे कोई नतीजा निकलेगा। जब आप कुछ एक्टिव ही नहीं हो मैक्सिमम स्टेट्स में, यहाँ पर ज्यादातर मोर देन 50% स्टेट्स ऐसी है जो कुछ भी नहीं कर रही है इलेक्ट्रिकल व्हीकल प्रमोशन के लिए, उनको चिंता ही नहीं है कि एक सेगमेंट कितना जरूरी है। खैर हम बात करते हैं यहाँ तोशिबा की। तोशिबा ऑलरेडी गुजरात में सुजुकी और डेंसो के साथ मिलकर काफी एडवांस स्टेज में इनका जो प्लांट है वो आगे चल रहा है और बहुत जल्द 2020 अगले साल इसकी प्रोडक्शन भी शुरू हो जाएगी। और यहाँ पर नॉट ओनली 4-व्हीलर्स, 2-व्हीलर्स और 3-व्हीलर्स से रिलेटेड जो अदर्स बैटरीज है रिक्वायरमेंट अलग अलग साइज की पावर की वो सब इस प्लांट पर बनाई जाएगी। दोस्तों अच्छी बात है, शुरू से ही ये स्टेट्स आगे रही हैं, केरला भी उन्हीं स्टेट्स में से एक है, तो थम्स अप है इन स्टेट्स के लिए, इनके लोगों के लिए जो इसको आगे इतना प्रमोट कर रहे हैं। मुझे वैसे अभी तक समझ नहीं आया कि सिर्फ साउथ में ही क्यों इलेक्ट्रिकल व्हीकल की प्रमोशन ज्यादा हो रही है, हमारी सेंटर की और जो नॉर्थ की स्टेट्स है वो इस पर ध्यान नहीं दे रही है। क्या हाल है दिल्ली एनसीआर के, ऐसे जो बड़े मेट्रो शहर है उसके बावजूद भी किसी के कान पर जू नहीं रेंग रही है। बातें बड़ी बड़ी हो रही है लेकिन अपडेट्स जैसे मैं आप देता रहता हूँ, अगर आप मेरे रेगुलर अपडेट्स सुन रहे तो काफी कुछ निकल कर आ रहा है बट मौके पर ऑन द एक्चुअल रोड पर कुछ उसका नतीजा नहीं दिखाई दे रहा है। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियोस अच्छी लगी तो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।